उज्जैन में शिप्रा नदी का रामघाट एक बार फिर लाखों दीपक से रोशन होगा। 9 अप्रैल को यानी कल गुड़ी पड़वा पर शाम को 5,30,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि निगम की टीम और वॉलंटियर ने घाटों पर दीपक लगाना भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर सुबह शिप्रा नदी में सूर्य को अर्घ्य देकर नगरवासी हिंदू नववर्ष का स्वागत करेंगे। वहीं शाम को घाट पर दीपक प्रज्वलित कर आतिशबाजी भी की जाएगी। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि पहले अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 31 लाख दिए लगाने की तैयारी थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मंगलवार की शाम उज्जैन में आएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। वहीं पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल भी प्रस्तुति देंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल गौरव दिवस और विक्रमोत्सव के समापन के अवसर पर गुड़ी पड़वा भी है, हर घर एक दीपक के मान से 5.5 लाख दीपक हम लोग कल छिपला के तट पर लगा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 4 घाट हैं, राम घाट है, रखाड़ा है, नरसिंह घाट है और गुरु नानक घाट है। उसके लिए करीबन 8,000 वॉलंटियर्स को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है, उनकी ट्रेनिंग की है और वो कल उपस्थित होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 8,000 वॉलंटियर एक बड़ी संख्या है, उतने बड़े संख्या में उनको मैनेज करने के लिए उनको समय पर वो उपस्थित हों, कोई कमी बेशी ना हो, कोई सामग्री की कमी ना हो, इसलिए हमने कंट्रोलिंग ऑफिसर और सुपरवाइजर्स भी लगाए हैं। अभी उसी की बैठक थी हमारी, जिसमें हमने जिला स्तर के 18 अधिकारी लगाए हैं जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज हमने मजिस्ट्रेट और नगर निगम का अमला भी लगाया हुआ है।